आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विधायक सचिन बिरला के प्रयास से मुख्यमंत्री से दिलवाई राशि, 202 किसानों के करीब 4,30,00,000 राशि मिलेगी खाते में। सोमवार को आएगी किसानों के खाते में राशि। फरार चना व्यापारी से अपनी उपज के लिए आंदोलन कर रहे थे किसान। करोड़ों की ठगी के शिकार पीड़ित किसानों का संघर्ष और विधायक सचिन बिरला के प्रयास रंग लाए और किसानों को उनकी पूरी राशि का भुगतान मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। विधायक सचिन बिरला ने किसानों को बताया कि ठगी से पीड़ित सभी 202 किसानों को उनके लगभग 4,30,00,000 रुपए का भुगतान आगामी सोमवार से शुरू हो जाएगा। विधायक की घोषणा के साथ ही मंडी प्रांगण किसानों की करतल ध्वनि से गूंज उठा और किसानों ने हर्ष व्यक्त किया और मंडी प्रांगण भगवान बलराम के जयकारों से गूंज उठा। विधायक ने किसानों से आग्रह किया कि अपनी उपज कृषि उपज मंडी में ही बेचे और यदि निर्धारित समय में किसान को व्यापारी से उपज का 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं मिलता तो किसान तत्काल मंडी सचिव को सूचित करे। मंडी प्रांगण में विक्रित उपज का भुगतान कराने की जिम्मेदारी मंडी सचिव की रहेगी। विधायक ने कहा कि किसान मंडी के बाहर उधारी में अपनी उपज नहीं बेचे, किसान अपनी ओर से पूरी सावधानी रखे ताकि किसान ठगी से बचे। विधायक ने कहा मंडियों की तुलाई, भुगतान, दस्तावेज, सत्यापन सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। विधायक ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने मांग रखी थी कि मंडी के सीसीटीवी शुरू किए जाए। उल्लेखनीय है सनावत कृषि मंडी में करोड़ों की ठगी के शिकार किसानों की समस्या को लेकर विधायक सचिन बिरला ने शुक्रवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी और उन्होंने किसानों की कठिनाइयों से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को किसानों की पूरी राशि शासन को जारी करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय लगभग 3 माह पूर्व कृषि उपज मंडी सनावद में अनिल मालाकार नामक व्यापारी 202 किसानों से लगभग 4,30,00,000 रुपए का चना खरीदकर फरार हो गया था। इस कारण पीड़ित किसान तनाव और चिंता में थे। विभिन्न किसान संगठनों ने भी पीड़ित किसानों के साथ लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। पीड़ित किसानों ने उनकी राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री अंदल सिंह गंसाना, विधायक सचिन बिरला, खरगोन जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसडीएम प्रताप सिंह अगासिया, तहसीलदार अंतर सिंह गणेश, थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त किया। सनाबत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। किसानों की राशि को लेकर क्या निष्कर्ष निकला और क्या इनको राशि कब तक मिलेगी? आज पिछले 2 माह से किसानों का धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था और एक चना व्यापारी 4,29,36,000 के चने का पेमेंट जो मंडी में चना बिक रहा था वो लेके चले गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़े संवेदनशील है और कृषि मंत्री जी, उन्होंने 4,29,36,000 मंडी बोर्ड के माध्यम से किसानों का भुगतान करने का निर्णय लिया, बहुत स्वागत योग्य है। इस अवसर पर हम सब उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और सभी किसान संघ के सभी लोगों ने भी आभार व्यक्त किया है। और कल सुबह रविवार को मंडी कार्यालय खुला रहेगा, जहां पर किसानों को अपना ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाकर देना है, जिससे किसानों का सत्यापन हो सके और परसों से पेमेंट डलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें इस अवसर पर करीबन 202 किसान हैं, 202 किसानों को पैसा मिलेगा। और इस समय बोनी का समय है, मजदूरों को पैसा देना रहता है, किसान को कर्ज पटाना रहता है। ऐसे कई किसान थे जो कई अवसर पर ऐसा बोल चुके कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, कृषि मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मंडी बोर्ड से किसानों को पैसा दिलाने का निर्णय लिया, स्वागत योग्य है। और इस खरगोन जिले के कलेक्टर साहब का भी बड़ा सहयोग रहा, एसडीएम का सहयोग रहा, मंडी के जो हमारे प्रभारी सेक्रेटरी उन लोगों का सबका सहयोग रहा और किसानों को पैसा मिल गया है। आगे से इस तरह के प्रकरण न बने, इस तरह के कि घोटाले न हो, इस काम की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विशेष निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।